मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है, आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। अब जो लो प्रेशर एरिया था, आपने देखा था कल के वीडियो में बताया था, यहाँ पर था यानी कि ओडिशा के आसपास था, ये अब आगे बढ़ करके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। आज बारिश की गतिविधियां, हमें उम्मीद है कि गंगे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिणी और पूर्वी गुजरात में काफी अच्छी होने वाली है। ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देखेंगे। मुंबई और थाने, दहानू, उसके आसपास भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और अब जो बारिश है वो धीरे धीरे, यानी कि अगर ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से रिकवर होके और जो बारिश लेगा यहाँ तक आएगा और उसके बाद इस तरह से रिकवर होगा, तो झारखंड के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, बिहार के दक्षिणी इलाके और उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भाग, जैसे कि चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी और जो उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। और जमशेदपुर, चायवासा और कुंटी, रांची, इन इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल में 24 परगना, डायमंड हार्बर, कुंटी, पुरुलिया, शांति निकेतन, कलकत्ता, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग वगैरह है, दिनाजपुर वगैरह, इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश भी रहेगी। और उत्तरी बिहार और उत्तरी जो फुटहिल्स वाले यानी कि तराई वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं होंगी। 13 और 14 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में फैल जाएंगी, यानी कि ग्वालियर संभाग में भी बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, शिवपुरी, शाजापुर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर, गुना वगैरह में भी काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं उस दौरान। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अगले एक दो दिनों के दौरान लगभग शुष्क रहेंगे, छुटपुट जाने बादल वगैरह और हल्की हल्की बौछारें हो जाएंगी, लेकिन 13, 14, 15 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। 15 और 16 तारीख को हरियाणा और जो उससे लगे हुए राजस्थान में और दिल्ली में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये जो वेदर सिस्टम है, ये अभी जो इसका इंडिकेशन दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह से आगे जाएगा, यहाँ से इस तरह से ऐसे जाते हुए और यूं करके रिकर्व होने वाला है। और जब इस तरह से रिकर्व होगा तो जो बारिश है वो इन सारे इलाकों में यानी गुजरात के पूर्वी जिलों में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। सूरत, बलसाड, भावनगर, अमरेली, राजकोट से लेकर के गांधीनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, महेशाना, पाटन हो गया, छोटा उदयपुर हो गया, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। सबरकांठा, बनासकांठा आगे जो है इसमें हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से सौराष्ट्र, कच्छ के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे या बहुत हल्की बारिश देखेंगे, पाकिस्तान में बारिश की अपील नहीं होंगी। और उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में बारिश संभावना काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। 14-15 तारीख को हो सकता है जब ये रिकवर करेगा सिस्टम तो तब थोड़ी बहुत बारिश वहां हो जाए। लेकिन राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं यानी कि कोटा, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ जो और टोंक वगैरह हो गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर सवाई माधोपुर और अजमेर, जयपुर और उसके बाद में जो बारिश की गतिविधियां ऊपर जाएंगी वो भरतपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं अलवर वगैरह में भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है 14-15-16 तारीख के आसपास। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जैसे मैंने बताया 13, 14, 15 तारीख को तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हल्की बारिश होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में छिटपुट बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देने वाली हैं। और अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में त्रिपुरा और जो मिजोरम है इस इलाके में 13, 14, 15 तारीख में बारिश बढ़ेगी। और बांग्लादेश के भी बहुत सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें 13-14 तारीख के आसपास दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश तेज होने वाली है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर 12, 13, 14 तारीख में भारी बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि साउथ गुजरात से लेकर के मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। 3 डिजिट रेनफॉल यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश भी हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके तेज बारिश देखेंगे और विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे इलाके और जो हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, औरंगाबाद, ये सारे इलाके भी तेज बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने वाले हैं। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो उत्तरी तेलंगाना में तो लाइट टू मॉडरेट रेन आज रहेगी, उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। और अगर और दक्षिण की तरफ हम चलते हैं तो
जो कोस्टल कर्नाटका यानी कर्नाटका के जो तटीय इलाके हैं, ये जो इलाके हैं और ये केरल, इन इलाकों में तेज बारिश रहेगी, लेकिन अंदर के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधि काफी ज्यादा कम होगी। खास करके आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु और रायलसीमा, इस इलाके में बहुत हल्की बारिश या छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश रहेगी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में भी बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। यानी कि मानसून जाते जाते कई राज्यों को भारी बारिश देने वाला है, लेकिन जो निराश करेगा वो सौराष्ट्र कच्छ को और पश्चिमी राजस्थान को निराश करेगा। पंजाब हरियाणा दिल्ली में बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन बाकी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। साउथ इंडिया में भी अंदरूनी जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं होने वाली है, और 17-18 तारीख के बाद ये वेदर सिस्टम हटने लग जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप कह सकते हैं मानसून विदाई की तरफ शुरू हो जाएगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आगे अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब